ତେବେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ସାରିଛି ଦେଶର ଡିଜିଟାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଭାରତ। ଡିଜିଟାଲ ମିଶନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବେଗବାନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଡିଜିଟାଲ କି ତରଫ ଜାନା, କ୍ୟାସଲେସ, ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, अगर हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो जरूर तेजी से सफलता मिलेगी। आज भारत की पहचान दुनिया में अपनी डिजिटल लेन देन के लिए होती है। ऐसे में सहकारी समितियां, सहकारी बैंकों को भी इसमें अब अग्रणी रहना होगा। डिजिटल इंडिया देशर अर्थनीति को मजबूत करबा पाई मध्य प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। टिकस प्रदान ऑनलाइन किणाबिका एबे निज हाथ मुठारे, हाथरे टंकाटिए नने जणे केवल यूपीआई सुविधा थिबा मोबाइल हाथरे धरी सारा देशरे एपरी कि विदेश रे बुली परबा फळे इकोसिस्टम सृष्टि होइछि। एक भी रुपया कैश जेब में लिए बिना सात दिन तक कैश को हाथ नहीं लगाएगा। ताकि आप उन अनुभवों को आपने अपने ब्लॉग पर शेयर करना चाहिए। मिशन को आगे नेबा पई देशरे डिजिटल इंडिया एक्ट प्रणयन होईछि। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को अधिक संप्रसारण करबा पई 2023 अगस्त रे केन्द्रर मोदी सरकार 14.93 कोटी टंकार व्ययबरात करि सारिछंती। एथिरे अनेक नुआ पदक्षेप मान निया जाइथिबा बेले देशरे सुपर कंप्यूटर संख्या वृद्धि एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र रे कार्य पई योजना करा जाइछि। मोटामोटी भावरे डिजिटल इंडिया अभियान रो 9 स्तंभ एबे साकार हेबारे लागिछि एवं आगको एही अभियान विश्वरे भारतर स्थिति को आहुरी मजबूत करी एक नुआ परिचय प्रदान करिवो बोली कुआ जाई पारे। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।